time someone comes into your life so unexpectedly. Sometimes someone turns to be the one that gives you everything, just like you did. Took me by surprise. तो पहली बात तो ये है कि आप सबको नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद। उम्मीद है कि ये साल भी आपकी बहुत अच्छे से बीते। तो साल 2022 की पहली वीडियो में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। तो लास्ट वीडियो में हम अगुंबे से आगे बढ़ रहे थे, पहाड़ी रास्तों को अपना हमसफर बना के हम चल पड़े कुछ टेढ़े मेरे मार्गों से कुंदाद्री की ओर। अगुंबे से कुंदाद्री की दूरी सिर्फ 18 किलोमीटर की है। करीब 16 किलोमीटर चल के हमारी गाड़ी के ड्राइवर ने हमसे कहा कि अब यहाँ से आपको पैदल चल के जाना पड़ेगा। हम खुश होने के साथ ही काफ़ी एक्साइटेड भी थे, तो हमने बहुत उत्साह के साथ चलना भी शुरू कर दिया। अभी इस पॉइंट से पहले गाड़ी नहीं जाएगी, तो हम लोग को भी पैदल करीब 1 से 1.5 किलोमीटर जाना है और फिर ऊपर कुंदाद्री जा रहे हैं हम लोग। तो देखते हैं, 1 से 1.5 किलोमीटर की चढ़ाई भी है, बैग भी काफ़ी भारी है, बॉटल्स वगैरह भी है बैग में, तो ये भी काफ़ी भारी है। वेदर ठीक ठाक है अभी, अभी सूरज भी निकल आई है तो वेदर भी ठीक ठाक है। तो अभी हम लोग ऊपर चलते हैं और जो सीन देख रहे हो काफ़ी काफ़ी बढ़िया सीन है यहाँ पे। इस खूबसूरत सी राह पे आपको कई जगहों में छोटे छोटे फॉल्स भी देखने को मिल जाती है। इस खूबसूरत सी राह पे चलते चलते ही कुछ ही देर में आप पहुंच जाओगे कुंदाद्री की व्यू पॉइंट में। शिमोगा जिले में स्थित कुंदाद्री सी बेड से 826 मीटर की ऊंचाई पे है। उडुपी से 70 किलोमीटर की दूरी पे स्थित ये पहाड़ी 17वीं शताब्दी की जैन मंदिर के लिए जाना जाता है। ये पहाड़ी पार्श्वनाथ तीर्थंकर को समर्पित किया जाता है। यहाँ मंदिर के पास चट्टानों से बने दो तालाबें आपको देखने को मिल जाएंगी, जो कभी पूर्व ऋषियों को जल प्रदान करती थी। जब हम यहाँ पे पहुंचे
तो हमें 1 फीट की दूरी को भी देखने में कठिनाइयां हो रही थी। चारों ओर मानो कोहरा ही कोहरा हो। जब हम जैन टेंपल में प्रवेश किए तब हमने देखा कि मंदिर बंद है। हालांकि मैंने पहले भी इस टेंपल की वीडियो इस चैनल में अपलोड किया हुआ है। अगर वो वीडियो आपको देखना है तो आपको वो वीडियो इसी चैनल में मिल जाएंगी और साथ ही मैं अपने डिस्क्रिप्शन में भी वो वीडियो दे दूंगा। अब ऐसे ही इस खूबसूरत वादियों को देखते ही देखते कैसे वक्त बीत गया समझ में नहीं आया। और अब वक्त हो चुका था यहाँ से वापस जाने का, तो हमें 2 किलोमीटर पैदल ही उतरना था। पर यहाँ पे उतरते हुए हमने कुछ ऐसे ऐसे सीनरी देखे जो मानो सारी उम्र हमें याद रह जाएगी।
तो अब आप लोग नीचे कमेंट कीजिए क्या आप कुंदाद्री जाना पसंद करोगे या नहीं। और साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूले, शेयर करना ना भूले, और साथ ही आप लोग कर सकते हो चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ऑन, ताकि जब भी हमारी वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो जाने से पहले आप सबको हैप्पी एंड प्रॉस्परस न्यू ईयर। तो चलिए, टेक केयर एंड सी यू गाइस माय नेक्स्ट वीडियो।